फसल बीमा पर अब किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा इसके लिए यह वीडियो जानकारी दे रहा है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया था। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करती है। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% ही है। किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलता है।